नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सैमसंग यूज़र्स के लिए है। अगर आप जो है सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हो और आपका डिवाइस जो है नोगेट पे रन कर रहा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही बनी है। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वन हैंड ऑपरेशन के बारे में कि वन हैंड ऑपरेशन क्या है और अपने फ़ोन में इसे कैसे इंस्टॉल करें और क्या इसका काम है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो आप मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप जो है पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और वन हैंड ऑपरेशन क्या चीज़ है। सो आप वीडियो देखते रहिए अंत तक, और जिनको नहीं पता चलेगा वो मेरी कमेंट बॉक्स पे जो है मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और जिन्हें पता चल जाएगा वो भी कमेंट्स कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वन हैंड ऑपरेशन एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि आपको डाउनलोड करने पड़ेगी, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो, इसको जो है गुड लॉक भी कहते हैं। सो आपने छोटी सी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। सो ये जो एप्लीकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। इसको जो है आपने सिंपली डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने क्या करना है, वीडियो देखते रहिए। आपने ये ऑफ रहेगा तो आपने इसको ऑन करना है, आपसे परमिशंस मांगेगा तो आपने इसको लॉ भी कर देना है। सो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। सो इसका जो फीचर है आप देख सकते हो, ये वाइब्रेशन लेवल है, ये लेफ़्ट सेटिंग है, राइट सेटिंग है। सो ये जो है वाइब्रेशन लेवल है आपका, और ये ट्रांसपेरेंसी लेवल है आपकी जो साइड पे जो वन हैंड के जो ये दो आपके जो ये निशान है, ये जो आपके सिंबल है, ये आप इसे जो है कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो ये आपको। सो आप जो बढ़ा सकते हो इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये बिल्कुल गायब भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा आपको शो भी हो रहा है। उसके बाद जो है इसका साइज़ है, ये बड़ा छोटा भी कर सकते हो। आप देख सकते हो इसका साइज़ जो है आपने यूज़ करने के हिसाब से आपने इसे जो है सेट करना है अपने हिसाब से। सो सभी के हाथ छोटे या बड़े होते हैं, ये अपना अपना तरीका होता है, उस हिसाब से जो है आप इसे जो है सेट कर सकते हो। और उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है आपका पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन पे रखना चाहते हो, ऊपर या नीचे। सो आप देख सकते हो। सो अपनी जो हिसाब से आप इसे जो है सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद है टच एरिया। सो आप इसका टच एरिया कितना रखना चाहते हो, कितना मतलब कितने एरिया तक जो है इसे आप टच करोगे, आप देख सकते हो। ये ऊपर जो एरिया आ गया, सो ये छोटा सा एरिया है, थोड़ा आप अपने हिसाब से जो सेट कर सकते हो। सो ये थोड़ा बढ़ गया आपका टच एरिया है, आपका जो टच जहाँ पे आप इसे टच करोगे वो उसका ये एरिया है। सो उसके बाद जो है ये आपका स्वाइप एक्शन डिस्टेंस है, अगर कितनी दूर से जो है आप इसे जब टच करोगे तो ये जो है काम करेगा, ये उसकी सेटिंग है। सो आपको जो है इसके बारे में पता चल जाएगा। बस ये सिंपल सी छोटी सी सेटिंग है जो आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, और आप इसे इजीली जो है यूज़ भी कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है स्वाइप करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए वीडियो ये वाला। सो जैसे कि मैंने खोल दिया, तुम्हारा कॉल पे का गया, फिर मैं बैक करूँगा तो उसका देखो बैक आ गया। मैंने बैक की नहीं दबाई और देखो स्वाइप करते ही ये बैक आ गया, बिल्कुल फ्री हैंड वर्क करता है, काम करता है। और जैसे कि मैंने ये यूट्यूब खोला तो उसको ही मैंने स्वाइप किया और बैक आ गया, तो आप देख सकते हो। ये मैंने स्वाइप किया और मैं स्वाइप करूँगा, ये देखो बिल्कुल बैक, काफ़ी बढ़िया है। सो आप भी अपने फ़ोन पे जो है इसे इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको जो ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहा है सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ हमेशा आपके लिए सबसे पहले लाता रहूँ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।